हाय, आप सभी लोग कैसे आ सकते हैं? आप सभी लोग मस्त ही होंगे। तो आज मैं आप सभी को फ़ोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, वो भी रियल तरीके से। तो ये मेरा फ़ोटो है, चलो इसको शेयर कर लेते हैं स्नैपचैट में। स्नैपचैट में आने के बाद टूल्स पर क्लिक करें, ट्यून इमेज पर जाना, ब्राइटनेस को 12, कंट्रास्ट को 8, स्ट्रक्चर को 17, एम्बुनियस को 18, फैलाइज को -17, साइडो को 7। टूल्स पर फिर से चले जाना, फिर डिटेल्स पर चले जाना, फिर शार्पनिंग को कर देना है आपको 48। फिर से चले जाना, फिर डिटेल्स पर जाना, फिर को स्ट्रक्चर को कर देना है 14। फिर आपको चले जाना सिलेक्टिव पे। सिलेक्टिव पे जाने के बाद आपको जहाँ जहाँ भी ब्लैक होगा वहीं वहीं पे कर देना है। इसी तरह से आपको कर लेना है। रियल तरीके से अगर सीखना है तो मेरी सारी स्टेप सीखते रहिए, और मेरे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन वगैरह ना भूलें। अब इसको डन करते हैं। अब आपको इसको शेयर कर देना है लाइटरूम के अंदर। लाइटरूम में शेयर करने के बाद आपको ऊपर की तरफ कर देना है, ऊपर आ जाएगा ये देखो आपका। फिर अपने इमेज को ले लेना है। अब इसको एडिट पे चले जाना, कलर पे चले जाना, मिक्सी पे चले जाना। आपको यू को 66, चैप्टर को 64, ल्यूनेस को 36, फिर से यू को 28, सेक्टर को 100 प्लस कर देना है। फिर आपको डन कर देना। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। फिर से एक बार बिफोर एंड आफ्टर। आपको उस पे चले आना। फिर आपको टिंट को कर देना है 10, और टिंट को माइनस कर देना है 8। फिर आपको चले जाना इफेक्टिव पे। इफेक्टिव पे जाने के बाद डी साइज को आपको 8 रख देना, क्लियरिटी को 10, टेक्सचर को भी 11। अब आपको लाइट्स पे चले जाना। लाइट पे जाने के बाद ब्राइटनेस कर देना है -28, वाइट को कर देना है, शैडो को आपको 9 प्लस, हाईलाइट्स को 33, कंट्रास्ट को मैं देख सकते हैं आप सभी लोग कितना औसम तरीके से लग रहा है ना। V4 एंड आफ्टर। अब आपको इसको डन कर लेना है। अब आपको इसको सेव कर लेना है अपने गैलरी के अंदर। आपको चले जाना ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। ये मेरा फ़ोटो ओपन हो चुका है। अब मैं इसको जूम कर लूँगा। अब आपको चले जाना है पेंसिल वाले आइकन पे। आपको स्मूथ ब्रश ले लेना, आपको नीचे मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ले लेते हैं, इसकी साइज को मैं कर देता हूँ 6 और 11। साइज को अपने हिसाब से रखिएगा, और आपको स्मूथ कर देना है आपको अपने हल्के हल्के हाथों से, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से करिएगा। आपको जूम करके अपने माथ के ऊपर कर लेना है, फिर से अपने फेस के ऊपर कर लेना है। तो मैं इसके साइज को थोड़ा कम कर लेता हूँ। आपको इसी तरह से करना है रियल तरीके से, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस।
इसी तरीके से कर लेना है आपको एकदम रियल तरीके से। अगर फोटो एडिटिंग सीखना है तो मैं रियल बनाता हूँ, किसी की तरह फेक नहीं बनाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक आपको इसी तरह से कर देना, जहाँ जहाँ भी आपका छूट जाए वहाँ वहाँ भी धीरे धीरे कर लेना है। गाइस मेरा हो चुका है, आपको पेंसिल वाले आइकन फिर से क्लिक करना, फिर आपको ये वाला ब्रश ले लेना, इसका कलर कर लेना आपको येलो। येलो करने के बाद आपको एक लेयर बना लेना, लेयर बना के आपको सॉफ्ट लाइट कर देना है। सॉफ्ट लाइट करने के बाद अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है, जैसे जिससे मैं कर रहा खाली अपने फेस के ऊपर ही अप्लाई करना है। जल्दी कर लीजिए गाइस, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ अभी। करने के बाद आपको फिर से अपने लेयर के ऊपर जाने जाना चाहिए। लेयर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको बनना होगा तस्वीर के जैसा ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे ऐसे करना है, जिस तरह से ये देखो मेरा कलर जूम पकड़ लिया कायदे से। आपको डन कर लेना, फिर से मैं चले जाऊँगा, फिर से मैं अपने स्मूथ ब्रश पे चले जाऊंगा। फिर स्मूथ ब्रश जाने के बाद अपने फ़ोटो वाले लेयर पर क्लिक कर दूंगा, फिर आपने जहाँ जहाँ भी किया नहीं था वहाँ वहाँ पे कर दूंगा। HDR फेस स्मूथ आपको कोई इस तरह से सिखाया नहीं होगा। तो गाइस इसी तरह से कर लीजिएगा आप भी। करने के बाद आपको डन कर लेना, डन करने के बाद आपको भी कान करेगा। मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। आपको डन करने के बाद आपको सेव कर लेना है। ओके गाइस, तो आपसे ये आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय लव यू।